रिश्तों वो नहीं जो बनकर टूट जाए, और पढ़ाई वो नहीं जो पप्पू ट्रिक में प्रश्न पढ़ के छूट जाए। पूछने की आजादी है यहाँ सर, पूछने पे डांटते दबाते नहीं है। नहीं, इस कोचिंग से अगर जो आ गए तो आपको इस कोचिंग से प्यार हो जाएगा। यहाँ अगर हमसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। अरे लॉन्ग कॉन्सेप्ट को हमने शॉर्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया। गया के मशहूर टीचर के पास में आए हैं, जो कि रीजनिंग का जादूगर कहे जाने वाले पप्पू सर जी। यहाँ से बहुत से ऐसे स्टूडेंट पढ़ पढ़ के हर जगह पे अपना परचम लहराए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना एक रूम एकदम खचाखच स्टूडेंट से भरे हुए हैं एकदम पूरा। तो चलिए मैं स्टूडेंट से भी बात करने का कोशिश करूंगा और टीचर से भी बात करने का कोशिश करूंगा कि आखिर ये टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं और बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि इतना काफ़ी सारे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ करके अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, और टीचर के क्या इसमें भूमिका है कि बच्चे भी इतना मन लगा कर पढ़ते हैं और अपने टीचर के साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं टीचर से आपको रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे सामने पप्पू सर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको जो नज़र जनता न्यूज है उनको मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ और उस काबिल लायक आप समझें कि कुछ मैं दो शब्द बोल सकता हूँ। तो मेरा नाम पप्पू ट्रिक हुआ और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ गया शहर में, और 2011 से हमने कोचिंग स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय हमारा कोचिंग नहीं चल पाया था। फिर हमने 2013 में दोबारा हिम्मत करके फिर हमने कोचिंग स्टार्ट किया। रीजन क्या था सर के उस वक्त आपको? उस समय 2011 में रीजनिंग का उतना दिलचस्प नहीं था, बच्चे उतना रीजनिंग पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन 13 से फिर हमने 30 नवंबर 2013 से फिर हमने हिम्मत जुटाया और फिर दोबारा संस्था हमने स्टार्ट किया गया कॉलेज से। और उस समय जब स्टार्ट किया तो उस समय बच्चे फिर मेरे पास इंक्रीज होने लगे, आने लगे बच्चा, और फिर हमने जितना भी रीजनिंग का जो पहले था शॉर्ट है ना, सारे लॉन्ग कॉन्सेप्ट को हमने शॉर्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया, और चैप्टर वाइज जो है पैकेज हर क्वेश्चन पर हमने मेहनत करके एक ट्रिक बनाया। और आज पूरे गया शहर में 2013 से लेकर 2024 आज चल रही है, आज हमारे जो है कोचिंग पूरा बाईपास पे, डेल्हा पे, मानपुर पे और चंदौती में चार जगह जो है मेरी ब्रांच चल रही है, और सुबह से लेकर शाम तक 12 बैच में चलाता हूँ, और हर जगह विद्यार्थी जो है कि रीजनिंग पढ़ने के लिए मेरे पास आते हैं, और मैं मेहनत हमेशा करते जा रहा हूँ। विद्यार्थी के प्रति मेरा यही सोच होता है कि कभी भी जो भी विद्यार्थी मेरे पास आए तो रीजनिंग के क्षेत्र में वो अच्छा कर पाए और हर कंपटीशन में रीजनिंग में वो परचम लहरा पाए, यही मेरा विचार। आप बच्चों के प्रति किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं कि यहाँ मैं चाहूँगा कि थोड़ा पीछे दिखा दीजिए कैमरा कि इतना काफ़ी गर्मी में भी इतना बच्चे शांत माहौल में एकदम बैठ करके पढ़ते हैं, कि क्या मतलब जादू चलाते हैं बच्चे के प्रति? देखिए कोई जादू नहीं होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है विद्यार्थी के पीछे अगर कोई भी टीचर मेहनत करेगा तो। हम प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे मेहनत करते हैं और प्लस में जो भी हम क्वेश्चन को बताते हैं बिल्कुल हंसते खेलते हुए मैं सिखाता हूँ। आज उसी के कारण है कि आज विद्यार्थी मेरे पास जो हर जगह है बैच में, इतना भीषण गर्मी में जो अभी क्लास डिस्टर्बेंस भी गरीब है ना, गर्मी के चलते चल रहा है, बहुत से विद्यार्थी क्लास दो दिन पहले हमने खोला, विद्यार्थी अभी गांव से आए भी नहीं हैं, न तो विद्यार्थी पूरा पहुंच जाने पर और विद्यार्थी का पूरा बैच भर जाता है, और काफ़ी गर्मी अभी 43 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में भी इतना गर्मी में जो है कि विद्यार्थी मेहनत अपना सरकारी नौकरी के लिए आ रहे हैं, और मेरा कोशिश यही रहता है कि हर विद्यार्थी को सफलता दिलाना मेरा दायित्व और कर्तव्य है। चलिए मैं और कुछ और बात करेंगे सर से, अब बच्चे लोग से कुछ जान लेते हैं, और टीचर से तो और बहुत सारे बातें अभी बाकी हैं। क्या नाम हुआ? निभा कुमारी। थोड़ा खड़ा हो जाइए। टीचर जो पढ़ाते हैं आपको, उनको पढ़ाने का जो शैली है कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, समझ में सारी बातें आ जाती है आपको? हाँ। सर के सामने ही है इसलिए बोल रहे हैं या पीछे भी बात करिएगा? पीछे भी बात कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं सब समझ में आता है? हाँ समझ में, जो समझ में नहीं आता वो पूछते हैं। पूछने की आज़ादी है यहाँ सर, पूछने पे डांटते दबाते नहीं है? नहीं, सारे बातें बताते हैं पूरे पे सर। चलिए और बच्चे लोग से पूछते हैं, क्या नाम हुआ जी? मुस्कान कुमारी। सर के जो आने का जो तरीका है, थोड़ा तरीका के बारे में बताएं, क्या इसे पढ़ाते हैं? सर का जो यहाँ का जो नेचर है वो ये नहीं कि एक टीचर होते हैं ना जो पढ़ाते हैं कि पूरा एकदम सीरियस मूड में, वैसे सर कभी नहीं पढ़ाते, हंसते खेलते मस्ती मजाक के साथ सर हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं। और ये भी बात है कि सर बोलते हैं कि आप लोग जो भी
क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग अदर बुक से कहीं से भी खोज कर ला कर हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये होमवर्क ये क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पा रहा है। सर का पढ़ाने का ये जो अच्छा है जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए भाई साहब, क्या नाम हुआ? अभय कुमार। सर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा बताइए कुछ। सर का पढ़ाने का तरीका किस तरह से समझाते हैं? सर बहुत ट्रिकली समझाते हैं, समझ में सारी बातें आ जाती है आपको? हाँ, पूरा आवाज आ जाता है समझ में, सारी आ जाते हैं। हाँ। मन लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा। जॉब लेना है? यस। चलिए, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एस एस सी। हाँ चलिए, बहुत एस एस सी। चलिए बहुत, क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश कुमार। कैसे तैयारी चल रहे हैं? ठीक। सर के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से पढ़ाते हैं? सर जो है इससे गया में एक अलग तरह से रीजनिंग पढ़ाते हैं, अलग हंस खेल के पढ़ाते हैं। ये नहीं कि लगता है प्रेशर में कोई स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो रीजनिंग पढ़ाने का है कंट्री के अलग बहुत अलग है हर टीचरों से। और बाईपास पर तो ऐसे फेमस है सर, बाईपास पर फेमस है, बाईपास मानपुर डेल्हा जहाँ भी इनका 3 ब्रांच है वहाँ हर जगह रीजनिंग में फेमस सबसे टीचर में। अच्छा, ये फेमस होने का रीजन क्या है सर के? पढ़ाने का तरीका अलग है सब टीचरों से, मैंने इनका समझाने का रुतबा अलग है, किस तरह से बच्चों को समझाना है ये पूरा को ऐसे समझाते हैं जैसे खान सर समझाते हैं ना, उसे हंस खेल के लिए बच्चों को समझाते हैं, जो कि सरल ढंग से समझाते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता। जी, तो देखिए पीछे तक भी बच्चे लोग एकदम पूरा भरे हुए हैं, तो चलिए मैं पीछे वाला बेंच से मैं बात करते हैं कि आखिर पीछे इन्होंने बैठते हैं का भाई साहब, क्या हाल है? मस्त है। मस्त है। टन टन। सर के पढ़ने का तरीका जानते हैं? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब समझ में चला आता है, हम सब टन टन एकदम याद। क्या मतलब सर के नाम रोशन करना है? रोशन है, पूरा विकास हो जाएगा, पूरा विकास करिएगा। हाँ। सर के साथ साथ में अपने माता पिता अपना एरिया का भी पूरा करना है। हाँ। चलिए बहुत, क्या नाम हुआ भाई साहब? सूरज कुमार। सूरज जी, सूरज की तरह चमकना है? यस सर। सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है? यस, चलना पड़ता है, तो यही मेहनत कर रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं और पढ़ने आते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। आप भी कुछ बोलिए, और कुछ पूछना है तो। इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी में ऐसा नहीं लगा कि हम घरे बैठे हैं, इतना गर्मी में का गर्मी लग ही, इस कोचिंग में आ जाएगा तो गर्मी लगबे नहीं करेगा। हाँ। इतना हंसते खेलते पढ़ाते हैं, गर्मी का मतलब एहसास ही नहीं होता है। गर्मी का एहसास एकदम नहीं होगा, आप एक बार आकर पढ़ लीजिए, कभी आप दुखी होकर नहीं जाइएगा इस कोचिंग से। अगर जो आ गए तो आपको इस कोचिंग से प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, यानी जूनियर स्टूडेंट का सलाह दे रहे हैं। हाँ, एकदम प्यार हो जाएगा, लौट के आप नहीं सोचिएगा कि हम घुर जाएं कोचिंग से, दोबारा हम आकर पढ़ ले, इतना अच्छा से आपको पढ़ाएंगे, हंसते खेलते कभी दुखी तुमको नहीं होवे देंगे। यानी जो बच्चे आना चाहें वो बेहिचक आ सकते, हंसते खेलते आइएगा, हंसते खेलते जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बताइए, जूनियर स्टूडेंट के क्या आप सजेशन दे सकते हैं, मैंने क्या कहें, जूनियर स्टूडेंट अगर कोई आना चाहे तो? आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आप समझाएंगे कि मतलब टीचर हम लोग के इस तरह से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं आता है? जो भी हम समझा सकते हैं, हम अपने द्वारा जो भी हम सीखे हम उसके द्वारा उसको समझा सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर उनको समझ में ना आए तो यहाँ आकर देखे कैसा लगता है, कैसे पढ़ाते हैं। पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आने के बाद में इनको पढ़ाई की जो तजुर्बा है उनके दीवाना बन जाएंगे, तरीका है उनका दीवाना बन जाएंगे पढ़ाई के लिए। चलिए यहाँ पे चलिए, आप क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। जूनियर स्टूडेंट के आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो यहाँ आकर हमसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। सिर्फ सामने हैं से सर बोल रहे हैं या पीछे भी बात करिएगा? पीछे ही बोल सकते हैं, बड़े अच्छा लगता है पढ़ने में। हाँ। सारे बातें समझ सकते हैं? हाँ, समझ में आता है, सभी आता है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मैं थोड़ा सा और कुछ बात करने चाहूँगा, आप यहाँ का फेमस टीचर हैं और बहुत से ऐसे इतना स्टूडेंट में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो रूरल एरिया से आते होंगे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो कहीं आप भी साथ में बीता होगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है कि मंथली में कभी क्या कुछ में उसमें कुछ? देखिए, जो बच्चा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर रहता है तो बच्चा अगर मेरे पास रिक्वेस्ट करता है, जैसे हम पूरा कोर्स मेरा 7 महीना का चलता है और 7 महीना का कोर्स में जो भी पैकेज होता है, पैकेज का पैसा हम नहीं लेते हैं, जो भी पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जब भी पैकेज हम देते हैं तो पैसा विद्यार्थी से नहीं लेते हैं, बिल्कुल मुफ्त देते हैं, और 2000 रुपये हम 7 महीना का बच्चा का फी लेते हैं। अगर कोई बच्चा रिक्वेस्ट कर देता है कि सर मेरी स्थिति खराब है, हम पैसा इतना नहीं दे पाते हैं,
और तो उसके लिए जो है कि हम कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। और जहाँ तक बच्चा से हम पूछते हैं कि आपका जहाँ तक है ऐसा कंडीशन, इसमें बहुत से बच्चे ऐसा है कि जो कुछ विद्यार्थी 1500 रुपया भी देकर एडमिशन लिए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि जिनका स्थिति खराब है वो 1000 रुपया भी देकर डाउन पेमेंट करके वो पढ़ रहे हैं। हम विद्यार्थी को एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम पढ़ो, अगर तुम्हारा मन है कि हम पढ़ेंगे और तुम्हारा विश्वास है कि हम पप्पू सर से पढ़ेंगे और पप्पू सर के पास आकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग के क्षेत्र में, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। हमारा कोशिश एक ही चीज़ रहता है कि अगर विद्यार्थी को दिल में हम हैं तो पैसा उसका बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई के लिए, यानी पढ़ाई में पैसा कोई वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। जैसे समझे कि आज जितना भी विद्यार्थी है, जब हम 2013 में शुरुआत किए थे तो विद्यार्थी मेरे पास 2 विद्यार्थी आया था, आज जो है कि लगभग कहा जाए तो हजारों की हजारों संख्या में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। सुबह से शाम तक 12 घंटा में 12 बैच चलती है और सभी बैच में विद्यार्थी जो है कि पूर्ण रूप से, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, पूरे भरे हुए विद्यार्थी रहते हैं। तो इसके लिए मायने नहीं रखता कि पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, पढ़ने का मकसद होना चाहिए। सर आपके जो बच्चे हैं पढ़ लिख के, मतलब कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं अब तक? विद्यार्थी मेरा हर क्षेत्र में गया है। जैसे कहा जाए तो रीजनिंग सबसे अहम भूमिका निभाती थी बैंक सेक्टर में जी, तो बैंक डिपार्टमेंट में भी जो बच्चा है, बहुत सा क्लर्क में भी गया, पीओ में भी मेरा विद्यार्थी गया है, और एवरी जो विद्यार्थी है कि पिछले बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत से विद्यार्थी, रेलवे में जो है कि मेरा विद्यार्थी रेलवे में गया, और एसएससी में तो कहने नहीं, मैम टीएस में विद्यार्थी गया हुआ है, सीएचएसएल में गया हुआ है, एलडीसी में गया है, जहाँ तक कि सीजीएल में आईटी तक विद्यार्थी पहुँचे हुए हैं। तो यानी कहने का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से विद्यार्थी का छोटा छोटा फोटो लगा हुआ है जो विद्यार्थी सफल हुए हैं, समझेगा ना, ये सारी सफल, हाँ सफल विद्यार्थी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है जितना भी इधर आप चलिए आपको क्लिप पे देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे जी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी और पिछड़े हुए हैं। देखिए जो भी विद्यार्थी से मैं कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि पप्पू सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आपसे मेरा गुजारिश है कि एक बार बिल्कुल आकर आप पप्पू ट्रिक रीजनिंग में पधारें और आकर 4 से 5 दिन आप डेमो क्लास करके खुद देखिए, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। और हमारा यही रहता है एक जी, मैं विद्यार्थी को हमेशा एक ही अष्टे बोलते हैं कि रिश्तों वो नहीं जो बनकर टूट जाए, रिश्तों वो नहीं जो बनकर टूट जाए, और पढ़ाई वो नहीं जो पप्पू ट्रिक में प्रश्न पढ़ के छूट जाए। तो हमारा कोशिश एक ही चीज़ है। देखिए सर ने कितने अच्छे बात बोले हैं। ठीक है, रेडी गुड। सर ने भी बोले कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो पैसा कम करके पढ़ते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट को मैं बात करता हूं कि जो अगर सक्षम है कि हम पैसा पूरा के पूरा दे सकें तो वो कभी हिचकिचाए नहीं, वो पूरा पैसा दे दें, और उस पैसा से अगर आपको लगे कि किसी का हेल्प अगर मिल जाए तो आप तो पूरा पैसा पेड कर दीजिएगा, लेकिन जो गरीब परिवार का स्टूडेंट रहेगा वो पप्पू सर की तरफ से हेल्प मिलेगा। तो वैसा वैसा स्टूडेंट जो सक्षम है पूरा का पूरा पैसा पेड कर दे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे रहते हैं कि घर से गार्जियन से पैसा ले लेते हैं और यहाँ नाकाछाई करने लगते हैं कि मेरे पास ये है। वैसा विद्यार्थी कुछ होता है गार्जियन से पूरा पैसा ले लेते हैं, जहाँ तक एक विद्यार्थी का गार्जियन का मेरे पास कॉल आया था, हम डाउन पेमेंट 2000 रुपये लेते हूँ, गार्जियन से 3000 रुपये ले लिए थे ना। और जब उसका गार्जियन कॉल किया, जब रसीद लड़का जब गार्जियन के पास भेजा तो गार्जियन मेरे नंबर पर जो रसीद में नंबर दिया हुआ रहता है तो कॉल किए कि सर आप पेमेंट जब हम 3000 दिए तो रसीद आप 2000 का काट कर क्यों दिए? तो हम बोले कि मेरा फी तो 2000 रुपया है। तो ऐसे विद्यार्थी कुछ होते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी गार्जियन को धोखा ना दे, क्योंकि गार्जियन का विश्वास आप पर बहुत रहता है। आप जहां तक हो सके तो गार्जियन को पैसा को बचाएं और कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी मुकाम को हासिल करें जी। तो आप लोगों का वीडियो कैसे लगा अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जय हिंद।